अस्सलाम वालेकुम, एडिटोरियलिज्म के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं बिस्मा इनाया। हर रोज की तरह मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफिया तजिया का नई मुस्तफा साहब। आज की टॉप स्टोरीज पर बात करते हैं। साइफर केस में अहम पेशरफ्त हुई है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाही में तोसी कर दी। लेकिन हमने पिछली दफा देखा कि स्टे ऑर्डर में जब तोसी ने जब स्टे ऑर्डर दिया गया तो तब भी अदालती कार्रवाई जारी रही। इस दफा सर क्या इम्कान है और पीटीआई के जो चेयरमैन है उनको कोई रिलीफ दिखाई दे रहा है कि मिलेगा आगे? देखिए बात यह है कि बिस्मा मैं नहीं समझता कि बज़ाहिर कोई ऐसे सिम्टम हैं या जेस्चर्स दिखाई दे रहे हो कि अदालत जो है ना इमरान खान के हक में जा रहा हो। कि केस जो है वो डॉक्यूमेंट्स इतने प्रोवाइड कर दिए हैं सरकारी वकला ने कि वो मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब को फौरी को रिलीफ मिले। लेकिन जहाँ तक साइफर केस का ताल्लुक है ना, तो साइफर में अगर आपने बयान आज पढ़ा हो जो ट्विटर पर भी चला और चैनल्स की जीनत भी बन रहा है, चौधरी इतराज हसन साहब बड़े मारूफ मुमताज़ कानूनदान है और सबसे बड़ी बात यह कि उनका ताल्लुक जो है ना वो तकरीबन 50 साल से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा हैं। कानूनदान की हैसियत से उन्होंने कहा है कि साइफर केस एक मुद्दा घोड़ा है, इसमें वो जान डालना चाहते हैं और जान डाल के वो ये कहते हैं इतराज साहब कि ये जो मुर्दा घोड़ा है इस मुर्दा घोड़े में जान तो क्या पड़नी है, इसमें अभी तक यही समझ नहीं लगी कि केस है क्या। और वो कहते हैं कि अगर क्या इतना बड़ा जो वाकया हुआ तो क्या इमरान खान जो है कौम को बताए भी ना, कहते कल कला खुदा ना खास कोई हमला कर देता है दूसरा मुल्क आप पे एग्रेशन करता है तो क्या कौम को ना बताया जाए कि ये वाकया हुआ है। तो अगर साइफर जो है वो कोई केस ऐसा था, ऐसा मामला था जो बहुत ही करीब था हुकूमत के मामलात के और गैर मुल्की मदाखिल कहा जा सकता है, अगर वो थी तो फिर उसमें कौम को उन्होंने अगर बता दिया तो कौन सा जुर्म है तो ये जुर्म ही वो कहते जुर्म ही सर दे दूंगा। लेकिन मैं सबसे अहम जो बात है, मैं इन दिनों में असल में स्टडी कर रहा था जो केसेस अदालतों में जेरे समात है। बिस्मा बहुत बड़ी बात यह है कि आप ये देखें कि मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं और फिर उससे ज्यादा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, सुप्रीम कोर्ट में दो बड़े केस तो इमरान खान और इसके हैं ना नवाज शरीफ, उनमें आज तारीख भी थी दोनों की और उसमें साबिक वजीर आजम जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ़ज़ई गिलानी उनका नाम भी है, जरदारी साहब का नाम भी जी। ये सुप्रीम कोर्ट में जेर समात केस है, उनमें कोई अगर फैसला आ जाता है अदर देन इमरान खान जरदारी साहब के खिलाफ या उनके साबिक वज़ीर आज़म जो हैं यूसुफ़ज़ई गिलानी साहब या इवन में नवाज़ साहब, दो साबिक वज़ीर आज़म हैं और एक साबिक सदर पाकिस्तान है, उनके खिलाफ अगर केस का कोई फैसला आता है तो फिर क्या सूरत हाल बनती है और एक और केस जेर समात है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में है। सर लेकिन हमने जस्टिस देखा है कि शहबाज शरीफ उन्हें एडमिट कर दिया, बरी कर दिया, उसके बाद तो यही लग रहा है कि नून लीग को थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है आगे। देखें उनके केसेस जो थे ना शहबाज शरीफ के, इवन नवाज शरीफ के साथ था, वो एब्सेंशिया में थे, उनकी अदम मौजूदगी में थे। शहबाज शरीफ जब मुल्क से बाहर गए थे तो केसेस थे और फिर वो वापस आ गए, फिर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। तो रिलीफ का जिसको मिल रहा होता है ना उसके मुखालफिन ये क्या कह रहे होते हैं और ये वो उसको शोर भी मचता है कि जी हमारे मुखालफिन जो है ना उनको जो है बहुत रियायत मिल रही है और अदालतें जो है हमें टाइट कर रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो साबिक जो सर्विंग जज हैं उन जस्टिस के खिलाफ जो है वो केस चल रहा है और उन जज साहब के बारे में ये बात करप्शन के इल्ज़ाम हैं, उनकी समात आज जुडिशियल काउंसिल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो हैं जस्टिस काजी फायज ईसा साहब उनकी सरबाई में बेंच ने की है, अभी उसका फैसला नहीं आया लेकिन हाँ वो मुलतवी कर दी। तो ये जो केसेस हैं ये अदलिया में साइफर केस की अहमियत इतनी नहीं अब रह गई कि बाकी केसेस में उनमें कोई फैसला आ जाता है। और जिस तरह की आप कह रही हैं कि अगर वो इवन समाप्त होती है एक ही अंदाज से, जिस तरह अगर इमरान खान के खिलाफ या उनके साथियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अगर इस तरफ इस अंदाज की कार्रवाई अदरवाइज हो गई तो फिर क्या होगा। तो ये अदालती जो देखे ना एक दौर में जुडिशियल एक्टिविज्म आया था जस्टिस बंदयाल सर चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, तो ये मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो फिर जन्म लेने वाला है।
चलें, ये तो हमें एक खबर मिल गई कि जुडिशियल एक्टिविज्म होने वाला है। उसके साथ दूसरी तरफ आते हैं, नून लीग की तरफ से खबर है, उसमें पीपल्स पार्टी के जो साथी रहनुमा हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। उसमें जो पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर और साथ ही साथ MNA अरबाब आलमगीर और अस्मा आलमगीर वो शामिल हुए हैं। सर, इससे वो एक पार्टी का पलड़ा भारी नहीं होता, वो आपको दिखाई दे? इसमें दो तीन बातें हैं। मैं खैबर के दो तीन रोज वहाँ रहा हूँ, मैंने वक्त गुजारा है पिशावर में, तो वहां मैंने ये देखा कि वहां पॉलिटिकल एक्टिविटी एकदम बढ़ गई है। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि 9 मई के वाकयात के बाद जो PTA के रहनुमा साबिक सूबाई गुजरा थे, वफाकी गुजरा थे, असम्बली के स्पीकर थे, वो सारे के सारे जो है गुजरा आला साबिक, वो सारे के सारे जो है ना, उनमें से बेशतर रुपोश हैं। वो सारे उनमें से कई रहते हैं ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जान छुड़ा ली है, माजत कर लिया 9 मई के वाक्य पे, कंडम कर दिया उसको। लेकिन वहां जो खला जो पैदा हुआ था ना, ये लोग रुपोश हो गए। PTI की क्यादत जो है नंबर वन क्यादत सूबे की, वो तो रुपोश हो गई। तो इन लोगों को मौका मिल गया कि वहां कोई ना कोई एक्टिविटी करें। अब उसमें एक्टिविटी सबसे पहले जो की है ना, सबसे पहले एक्टिविटी वो की है अमीर मुकाम साहब ने, सूबाई सदर है मुस्लिम लीग नून के और बड़े एक्टिव आदमी है। उन्होंने एक्टिविटी की और उन्होंने मुलाकात की ये जो साबिक सेनेटर थे, अरबाब साहब, उनसे, उनकी मिसेस से, उनका बेटा भी शामिल हुआ और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है। वो वफाकी वजीर रहे हैं, सदर रहे हैं पीपल्स पार्टी के महासूबाई और सेनेट के मेंबर रहे हैं, उनके बहुत सारे जो है ना फॉलोअर्स हैं और उनकी जो पंजाबी में से कहते हैं ना, उससे बहुत ज्यादा है वहाँ। तो वो जब इन्होंने देखा कि भाई वो पीपल्स पार्टी छोड़ना चाह रहे हैं, अच्छा छोड़ी क्यों है ये भी देखिए, छोड़ने की वजह ये बनी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ 3 कंजेक्टिव जलसे किए। तो अरबाब और उनकी फैमिली को जो है ना, बहुत पुराने पीपल्स पार्टी के हैं वो, भुट्टो साहब के साथ रहे हैं, आफ्ताब शेरपाओ के साथ बड़ी अहमियत के हामिल पदों पर रहे हैं। तो वो जो इतने पुराने पीपल्स पार्टी के साबिक जो रहनुमा थे, उनको जब ये पता लगा कि जी वो जो अहमियत नहीं दी गई बिलावल भुट्टो साहब ने या उनके दूसरी क्यादत ने भुट्टो अहमियत नहीं दी उनको, अरबाब साहब को, उनकी फैमिली को, तो अरबाब आलमगीर साहब ने ये कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। इससे पहले कि वो PTI ज्वाइन करते, पार्लियामेंटेरियन में जाते, किसी और जमात में जाते, तो इन्होंने नून लीग वालों ने उनसे रब्ता किया और रब्ता करके उन्होंने कहा जी कि हम जो है ना फौरी तौर पर आपको अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं और साथ ये कह रहे हैं कि आप अगर आएंगे तो आपकी ताल्लुक MQM जो पार्टी थी उन्होंने जब इत्तेहाद किया है उस चीज से इन्फ्लुएंस किया होगा इस डिसीजन को? नहीं, उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, ये इनकी लोकल पॉलिटिक्स थी। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको और बताऊँ, खैबर पख्तूनख्वा जो है ना, उसमें 2 मरतबा बरसे इख्तदार रही है PTI, 2 कंजेक्टिव अदवार जो है ना वो सूबे में जीते, उनके वज़ीर-ए-आला भी दोनों रहे, महमूद खान साहब रहे और परवेज खटक साहब रहे, परवेज खटक साहब अलग हो गए, महमूद खान साहब चले गए। अब मसला असद कैसर साहब भी परतोल रहे हैं और ये सुना ही है कि वो भी उनको दावत दे रहे हैं पार्लियामेंटेरियन वाले का, आप आ जाए। वहाँ जमातों ने सब ने जोर लगाए, क्यों खला है ना, वो जो खला है वहाँ से जिस तरह तालिबान का इनखला हो रहा है ना, तो ये पार्टी के रहनुमाओं का खला पैदा हो गया है PTI की वजह से। तो वहाँ उन्होंने ये किया कि ANP जमीयतुल्मा इस्लाम, फजलुर्रहमान ग्रुप, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साथ उनकी वतन पार्टी और 3-4 छोटी जमातें, उन जमातों ने सारों ने मिल के खैबर को फतह करने की कोशिश की है। उसमें पहला स्टेप जो है ना, ये अरबाब फैमिली जो है, अरबाब फैमिली बड़ी बासर, बड़ी बासूर, उस फैमिली को रब्ता करके इन्होंने शामिल कर लिया। एक तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ कि अमीर मुकाम साहब का झगड़ा था जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून कमज़ोर थी, वहाँ सबसे बढ़ के जो था ना इकबाल जफर झगड़ा, जो साबिक गवर्नर है खैबर के, झगड़ा फैमिली भी बड़ी मशहूर है वहाँ पब्बी में, नौशेरा में, वो झगड़ा फैमिली जो है उनकी नाराजगी थी अमीर मुकाम साहब से। तो कैप्टन सफदर साहब जो दामाद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज के शौहर नामदार, उन्होंने ये कोशिश करके इन दोनों की सुलह करा दी। ये भी 3 दोस्त पर जिसमें वहां गया हूं, तो वहां ये सुलह की तकरीब हो रही थी, उस तकरीब में मैं भी चला गया, तो वहां उन्होंने तकरीब में सुलह कराई और सुलह के बाद ये हुआ कि अब वहां जो है ना ये शीरो शिकर हो गए हैं झगड़ा साहब और अमीर मुकाम साहब। तो जो मुस्लिम लीग नून को डेंट पड़ सकता था अंदरूनी खलफशार से, वो खत्म हुआ एक तरफ। दूसरी तरफ अवामी नेशनल पार्टी जो सूबे में 3 बार इख्तदार में रही, वली खान फैमिली, खोती फैमिली,
ये दोनों बड़ी फैमिलीज जो हैं इनके तवसुत से उन्होंने 3 बार इख्तदार लिया। उस 3 बार इख्तदार में रहने के बाद ये कमजोर हुए MMA जब इत्तेहाद मजहबी जमातों को बहुत ही कमजोर पड़ गया। लेकिन वहाँ इन्हें कहते हैं कि सुर्ख पोश रहनुमा, ये जो सुर्ख पोश और सुर्ख इनकलाब जो है ना ये उसके दाई हैं और बानी भी हैं इस जमात में खैबर में। ANP ने एकदम जो है ना वो अपनी कंपेन तेज की है और अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा दी हैं। इस वक्त वली खान साहब के फर्जंद एमल वली खान, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले, ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ मैं आपको, सबसे पहले अपने MNA और MPA फाइनल कर लिए। जितने उम्मीदवार हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के उन्होंने फाइनल कर लिए हैं, और वहां से जिन लोगों को टिकट अनाउंस किया है उसके अलावा कह दिए कोई बंदा हमारे पास आए भी ना, हम किसी को अब डिस्कस नहीं करेंगे शामिल। तो और हमारे एक साथी हैं जर्नलिस्ट, वो वादत अखबार के एडिटर हैं पीर हारून शाह साहब, वो बड़े नामवर साफी थे, अभी 2 साल पहले फौत हुए हैं, पीर सैयद सफेद शाह हमदर्द, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, बुजुर्ग सियासतदान थे, साफी थे, और उन्हें पख्तो सहाफत का बाबा आदम कहा जाता है, वो बानी है उसके, वो उसके कायद आजम है पश्तो सहाफत के। तो उनके बेटे हैं पीर हारून शाह साहब, उनको NA 31 से उन्होंने टिकट दिया ANP ने, और उनके से ये कहा कि आप हमारे साफी हैं ना कि आप हमारे उम्मीदवार हैं NA 31 से, बड़ा हल्का है, बहुत बड़ा हल्का, सबसे बड़ा हल्का वही है, लेकिन अपने दो मर्जी के MPA जो मर्जी अपने साथ रख लें। तो ये बेटे ANP ने एक्टिविटी शुरू कर दी, मुस्लिम लीग नून ने कर दी, पीपल्स पार्टी के सरबराह दो प्रताप बिलावल साहब वहां चले गए। तो इससे अब खैबर पख्तूनख्वा में जो सियासी सरगर्मी है वो बड़ी, मौलाना फजल रहमान साहब उन्होंने मरकज बनाया हुआ है खैबर को जी, वो बाकी कहीं पंजाब वगैरह सिंध में जा रहे हैं, कह लेते हैं कि इस टाइम जो KPK है वो मैदान, वो सियासत का मरकज है जी। और वहां हर पार्टी कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से जो खला पैदा हुआ है उस खला को पुर करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाए। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। आप सबसे गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो KPK में इस वक्त सारी सूरत हाल चल रही है तो कौन सी पार्टी है जो PTI का जो खुला पैदा हुआ है उसको खत्म करने में कामयाब होगी, या आपको लगता है कि PTI का वोटर जो है उसे ब्रेक नहीं किया जा सकता। अपनी राय से मैं आगाह करें, आप सबसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।